कक्षा थर्ड के सभी विद्यार्थियों का हिंदी माधुरी की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है जल की मिठास। आइए कहानी पढ़ते हैं। गर्मियों के दिन थे। एक दिन एक शिष्य सप्ताह भर की छुट्टी काटकर अपने गांव से गुरु के आश्रम लौट रहा था। यानी एक स्टूडेंट्स अपने घर पर छुट्टियां मनाकर अपने गांव से अपने वापस गुरु के आश्रम में लौट रहा था। उस दिनों में क्या करना पड़ता था, लोगों को पैदल ही यात्रा करनी पड़ती थी क्योंकि कोई भी साधन नहीं थे। रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह प्यासा था इसलिए उसने कुएं से पानी निकाला और पिया। पानी बहुत मीठा और ठंडा था। शिष्य ने सोचा, क्यों न यहाँ का पानी गुरुजी के लिए भी ले चलूँ। उन दिनों लोग मशक में पानी लेकर चलते थे। शिष्य ने भी अपनी मशक भरी और गुरु के आश्रम की ओर चल दिया। मशक का मतलब पता है बच्चों आपको क्या होता है? मशक मतलब कोई लेदर से बनी हुई, यानी खाल से बनी हुई कोई चीज़ होती है जिसमें उस ज़माने में पानी लेकर जा सकते थे। तो उसने क्या किया, मशक भरी और गुरु के आश्रम की ओर चल दिया। वह आश्रम पहुंचा और गुरुजी को प्रणाम करके सारी बात बता दी। गुरुजी ने शिष्य की मशक से पानी लेकर पिया। फिर उन्होंने शिष्य को अच्छा पानी लाने के लिए धन्यवाद भी दिया। कुछ देर बाद आश्रम में रहने वाला दूसरा शिष्य गुरुजी के पास आया। उसने भी वह पानी पीने की इच्छा प्रकट की। उसने क्या बोला कि मुझे भी वह पानी पीना है। गुरुजी ने मशक उस शिष्य को दे दी। शिष्य ने जैसे ही पानी का घूंट भरा, उसे तुरंत पानी का कुल्ला कर दिया, जैसे मतलब उस पानी को फेंक दिया। उसने कहा, गुरुजी, इस जल में तो कड़वापन है और न ही यह शीतल है। आपने बेकार ही इसकी इतनी प्रशंसा कर दी। गुरुजी बोले, बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ? इसके लाने वाले के मन में तो है। उस शिष्य ने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए बहुत प्रेम उमड़ा होगा। यह बात महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, ये बात आपको समझ में आई कि जल जरूरी नहीं है कि जल शीतल और ठंडा हो। लाने वाले के दिल में कैसी शीतलता है या कैसी भावना है। गुरुजी थोड़ा रुके, फिर शिष्य को समझाते हुए बोले, तुम्हारी ही तरह मुझे भी इस मशक का पानी अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं यह कहकर उसका मन दुखी नहीं करना चाहता था। हो सकता है जब उसने जल मशक में भरा हो तब वह शीतल हो और मशक के साफ न होने के कारण यहाँ आते आते जल वैसा नहीं रहा, पर इसके लाने वाले के मन का प्रेम तो कम नहीं होता ना। गुरु की यह प्रेमपूर्ण सीख शिष्य के समझ में आ गई। वह समझ गया कि हमें दूसरों को उनकी भावना से समझना चाहिए, न कि किसी की चीज़ों से। तो बच्चों, आपको भी ये बात समझ में आ गई? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों को उनकी भावनाओं से समझना चाहिए कि सामने वाले के मन में कैसी भावना है। अच्छी भावना है तो हमको उसी तरह की भावना को ग्रहण करना चाहिए। तो अब बच्चों, आपको इस कहानी को 2 से 3 बार वीडियो के माध्यम से सुनना है और पढ़ना है। उसके बाद फोटो के माध्यम से सभी प्रश्न उत्तर कॉपी में करने हैं।